तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से लास्ट पार्ट। यस, ये लास्ट पार्ट है 711 to 22। यस, ये आज आप लोग का समाप्त हो जाएगा वोकैबुलरी का फुल कंप्लीट वीडियो, है ना। आप लोग को इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। ये अगर पूरा प्लेलिस्ट देख लिए तो इससे बाहर आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, है ना, या एमटीएसओ चाहे सीपीओ हो, कहीं अलग से नहीं पूछने वाला। और ये पूरे के पूरे 722 वर्ड को एकदम आसान भाषा में करवाए हैं आप लोग के लिए। तो एक बार देख लीजिए, गारंटी है याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो चलिए, ये 12 वर्ड आज करेंगे और अभी सीख के जाएंगे। देखिए, फर्स्ट आप लोग के सामने है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है जो आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है। वल्नरेबल मतलब जो आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है। वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल। देखिए भैया, आप जो हंसते हंसते में जो बात आप बोल दिए हमको सबके सामने में, ये बात भूलने के एबल नहीं है। भूलने, इसको भूल कर देते हैं, और एबल भूलने योग्य नहीं है। भूलने योग्य ये बात नहीं है भैया। आप तो आसानी से बोल दिए, आप तो आसानी से सबके बीच में हमें नीचा दिखा दिए, लेकिन याद रखिएगा ये बात वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल नहीं है, ये आसानी से भूलने योग्य बात नहीं है। याद रखिएगा, हम भी गांठ बांध लिए हैं। तो याद रखना, वल्नरेबल मतलब जो आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपको 10 लोग के बीच में ऐसे इजीली बोल देते हैं जो सबके नजर में आप गिर भी जाते हैं और आपको चोट भी नहीं पहुंचता। यस, इसी को कहते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल, ये बात भूलने योग्य नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वाई। वाई मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। वाई मतलब प्रतिस्पर्धा करना। वाई मतलब कंपटीशन करना। देखो भैया, आप ना अपने भाई में वाई मत करो। आप अपने भाई में, भाई भाई में वाई मत करो। भाई भाई में कंपटीशन करने का कोई जरूरी नहीं, प्रतिस्पर्धा करने का कोई जरूरी नहीं है। जितना हो सके प्रेम बढ़ाओ, बढ़िया से काम करो, दिल से रहो, साथ में रहो। मैडम जी आएगी तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो तुम जब तक हो तब तक अपने भाई में वाई करने का कोई जरूरत नहीं है। भाई में वाई करने का जरूरत नहीं है। भाई में मेरे दोस्त वाई मत करना। मैडम जी आएगी तो देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा सिचुएशन, है ना। बट आप अपने भाई में कभी वाई मत करना। भाई में वाई मत करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वैन। वैन मतलब होता है कमजोर। वैन मतलब होता है कमजोर। वैन मतलब होता है कमजोर। वैन मतलब होता है वीक। वैन मतलब होता है फेल, है ना। वैन, आप लोग देखते हैं कोई भी चीज ना, कोई भी प्रोडक्ट पे बैन लग जाता है, लग जाता है ना। हाँ, क्या लग जाता है? वैन। मैगी पर भी कुछ दिन पहले बैन लग गया था ना। यस, जैसे ही कमजोर पाया गया बैन लगा दिया। कोई कोई कंपनी पे बैन लगाया तो किसी किसी बंदे को काम करने पे बैन लगाया, तुम मत करना इसको, कहते हैं ना, तुम मत करना इसको। तुम जब करोगे डिस्ट्रॉय कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तुम कमजोर हो, तुम इस काम के लायक नहीं हो। तो वैन, जब कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति काम के लायक नहीं होता है, उस पे बैन लगा दिया जाता है। यस, वैन यानी तुम वैन हो। बैन लगा दिया गया, रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम वैन हो, तुम उसके लिए कमजोर हो, वैन हो। याद रहेगा, वैन मतलब कमजोर, वैन मतलब वीक, वैन मतलब फेल, बेकार, खराब। एक क्या है? बैंडी। क्या है? वैंडरलस्ट। वैंडरलस्ट मतलब होता है घूमने की इच्छा रखना। वैंडरलस्ट मतलब होता है घूमने की इच्छा रखना। वैंडरलस्ट मतलब होता है घूमने की इच्छा रखना। वैंडरलस्ट मतलब होता है घूमने की इच्छा रखना, है ना। इसीलिए तो बोलता है स्ट्रांग डिजायर टू ट्रेवल। ए बाप रे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जगह खाली घूम ही में मन लगता है, इतना ठंड है तो ये चलो ना, चलो ना, चलो ना। अगर कोई ज्यादा घूमने के लिए कहते हैं पापा उधर चले, पापा उधर चलिए, चलिए ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो एकदम बंदरे हथो ना हो, एकदम बंदरे हथो, हल एकदम। आप जब भी बात करते हैं
वो बात वैंडरलस्ट होता है। वैंडरलस्ट मतलब घूमने की, तरफ घूमते जाओ। तो वैंडरलस्ट मतलब घूमने की इच्छा रखना, वैंडरलस्ट मतलब घूमने की इच्छा रखना। यस, तो जो व्यक्ति में बहुत इच्छा होता है घूमने का उसे क्या कहते हैं, एकदम बंदौरे हथो। तो सब बिना खाए पीले स्ट्रांग डिजायर टू ट्रेवल। कुछ लोग ऐसे तो भूखलो प्यास से घूमते जाओ, ये देखो, ऐसे देखो, है ना। तो याद रहेगा वैंडरलस्ट मतलब घूमने की इच्छा रखना, नेक्स्ट बोल रहा है होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, एकदम दीवानापन छा जाना, है ना। होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, क्या बोल रहा है, विद कंप्लीट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, है ना, कंप्लीट इंटरेस्ट फुल्ली दिल से, है ना, इसी को तो कहते हैं होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, है ना। याद रखना आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो पूरे दिल से होल हार्टेडली तैयारी करो यार, सिलेक्शन श्योर मिलेगा। होल हार्टेडली तैयार करो, सिलेक्शन श्योर मिलेगा, है ना। तो कभी भी कोई भी काम को होल हार्टेडली करना चाहिए। अभी अपना बिहार में ना बहुत मस्त सा देखे होंगे BPSC के थ्रू जो लोग टीचर बने हैं, यस, ये देखिए नॉर्मली कुछ है जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नॉर्मली निकाल लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम को होल हार्टेडली कर रहे थे। पता है अपने समस्तीपुर में एक कपल थे, पति और पत्नी, दोनों म्यूजिक से ग्रेजुएट किए हुए थे, म्यूजिक से PG किए हुए थे, और वो अपना क्या इसको होल हार्टेडली मान, वो अपना बिजनेस ही मान लिए थे उसको। उनका पैशन था गाना बजाना, गाना, है ना। आज देखिए गाना बजाना और गाना, वो जितना काम करते थे ना भैया, जितना वो काम करते थे उतना तो पैसा वो कमा ही रहे थे। और आज देखिए मौसम बदला, दोनों पति पत्नी टीचर बन गए, यस, कॉलेज में बन गए दोनों के दोनों टीचर, वो भी BPSC के थ्रू, समझ रहे हैं बात कितना। तो इसीलिए आप लोग अगर कोई काम को कीजिए ना भैया तो होल हार्टेडली, होल मतलब पूरा और हार्ट मतलब दिल से, पूरे दिल से करो यार, है ना, याद रहेगा होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से। नेक्स्ट क्या है, विट्टी, विट्टी मतलब वाक्पटु, विट्टी मतलब वाक्पटु, विट्टी मतलब वाक्पटु, विट्टी मतलब वाक्पटु, है ना। विट्टी को कर लेते हैं बुद्धि, विट्टी बुद्धि, विट्टी बुद्धि, विट्टी बुद्धि, बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, ओ भैया बाबरे विट्टी होते हैं, बुद्धिमान लोग विट्टी होते हैं, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, विट्टी होते हैं। ऐसे बात घुमा के करेंगे ना 90% लोग को लपेट लेते हैं, पता नहीं चलता है लपटा जाता है। क्या बोल रहा है, यूजिंग वर्ड इन अ क्लेवर, चालाकी से, है ना, मैनर, तौर तरीका, उनको चालाकी से बोलने का तरीका पता है, है ना। पॉलिटिशियन सब जो होते हैं ना उनको भी वैसे ही, वो उनके पास बुद्धि होता है, बात करने का बुद्धि होता है, आपको इमोशनली अटैच कर लेंगे अपने साथ, यस। तो याद रखना बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है वही तो बिटी है, जिसके पास बुद्धि है वही तो बिटी है। वाक्पटु वही तो चतुराई से बात करेगा भैया, उसको बात करने का जो तरीका है ना, यूजिंग वर्ड, वो जो वर्ड का जो यूज करता है ना एकदम चतुराई से ऐसे यूज कर देगा जो अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके पास बुद्धि होना जरूरी है, बुद्धि है तो वीटी बन जाइए, बुद्धि वीटी, बुद्धि के बिना वीटी नहीं हो सकते, बुद्धि चाहिए। एक विजार्ड, विजार्ड मतलब होता है जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर। आप लोग जानते हैं ना बहुत लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हम विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, विजार्ड ऑफ फिजिक्स, विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हम केमिस्ट्री के जादूगर हैं, फिजिक्स के जादूगर हैं, हम मैथमेटिक्स के जादूगर हैं, ऐसे होते हैं ना, यस। तो विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर, विजार्ड मतलब मैजिशियन भैया, विजार्ड मतलब मैजिशियन, है ना। तो विजार्ड, विजार्ड, ओके, तो विजार्ड मतलब याद रखिएगा जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर, ओके। नेक्स्ट वोज, वोज मतलब होता है दुख, वोज मतलब होता है दुख, वोज मतलब होता है दुख। अब इसको याद करते हैं ऐसे, किसी व्यक्ति को काम का बोझ दे दो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये हो जाएगा तो ये करना, ये हो जाएगा तो ये करना, पूरा काम करके आना नहीं तो आज पीट कर ठीक कर देंगे, है ना। अब इतना सारा काम का बोझ उसमें पड़ा कि बेचारा बोझ हो गया,
काम का बोझ पड़ते ही वो बोझ हो गया, काम का बोझ पड़ा वो बोझ हो गया, दुखी हो गए, सब काम हमरे लेल, सब काम हमरे लेल, बेचारा दुखी हो गया, गम में अगर टेंशन सॉरो डिस्ट्रेस हो गया, है ना, डिस्ट्रेस हो गया, भगवान को भी गाली दे दिया, क्या भगवान हमरे लेल सब अत्याचार, है ना। तो किसी को अगर काम का बोझ ला दीजिएगा ना तो बेचारा बोझ हो जाएगा, काम का बोझ ला दिए वो बोझ हो गया, दुखी हो गया मेरे दोस्त। एक नेक्स्ट क्या है, रिच, रिच मतलब होता है अभागा, रिच मतलब होता है अभागा, रिच मतलब अभागा। देखिए जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है अगर वो रिच नहीं है ना, अगर रिच नहीं बन पाया ना तो वो रिच है, जो रिच नहीं बन पाया वो रिच है, जो रिच नहीं बन पाया वो रिच है। तो दुनिया में जिंदगी का मतलब है रिच बनो भैया, अमीर बनो, सब कुछ सुख संपत्ति आपके पास होना चाहिए, जो पैदा हुआ है उसके पास ये सारा कुछ, उसे रिच होने का अधिकार है। अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होकर रिच नहीं बन पाए तो आप रिच हैं, रिच नहीं बन पाए तो आप रिच हैं, रिच मतलब अभागा है, रिच मतलब आप गरीब हैं, रिच मतलब आप निर्धन हैं, रिच मतलब आप अनहैप्पी पर्सन है, आप दुखी भरा जीवन काटेंगे, है ना। तो अगर आप पैदा हुए हैं, जिंदगी में आए हैं तो आप रिच बन जाओ, एक ही काम है जो रिच बन जाओ, नहीं तो पूरा जिंदगी रिच बन के रहोगे, पूरा जिंदगी अभागा, है ना, अनहैप्पी, ना खुश रहोगे, कभी खुश नहीं हो पाओगे, है ना। तो रिच होना जरूरी है। एक है यान, यान मतलब होता है उवासी लेना, यान मतलब होता है उवासी लेना, यान को कर लेते यान, वायु यान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, है ना। पता है यार ये जो आजकल का जो जनरेशन है बड़ी मस्त जनरेशन, गजब है, टिप टॉप बना गया है, टिप टॉप, है ना, इधर टिपो उधर टॉप, इधर एकदम ऐसा जनरेशन आ गया। एक दादा के टाइम में देखते थे यार, दादा लोग को देखते थे अगर ट्रेन से जब सफर कर रहे हैं, ट्रेन से स्टेशन आने से एक घंटा पहले से गेट पे खड़े रहते हैं, वो उबासिया नहीं लेते थे, अगर वो लोग उबासिया लेते कि ले ट्रेन मारा ब्रेकर गिर गया बेचारा, लेकिन नहीं, वो लोग एकदम स्ट्रांग हुआ करते थे। लेकिन अब भी जनरेशन देखो, आधा घंटा के सफर में हवाई जहाज में लोग उबासी लेने लगते, जनरेशन ने डुप्लीकेट आ गया, है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, टू ब्रीथ टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विद माउथ ओपन, मुंह आकर, है ना। तो ये यान में भी, हवाई जहाज में भी लोग क्या कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, हवाई जहाज में उबासी लेके की जरूरी है ये हो, है ना, हवाई जहाज में उबासी ले रहे हैं, है ना, जनरेशन चेंज है। तो याद रखिए, यान उबासी लेना, यान उबासी लेना, यान उबासी, तो उबासी लेने का स्पेलिंग बोलिए, यान, उबासी लेने का यान, याद रहेगा, यस। नेक्स्ट वर्ड यर्न, यर्न मतलब होता है लालसा करना, यर्न मतलब होता है लालसा करना, यर्न मतलब होता है लालसा। कभी कभी किसी व्यक्ति का लालसा होता है, हमरो लालसा है कि जो हमरो ये थोड़ा हवाई जहाज हो, हमरो इच्छा है कि हम ही यूपीएससी क्वालिफाई करें, हमरो इच्छा है कि जो हम भी थोड़ा अपाची ले ले, हमरो सबका अपना अपना ये होता है, है ना। तो ये व्यक्ति यार, अगर आपके पास यर्न है, वाई यर्न है, तो आपको अर्न करना पड़ेगा भैया, अर्न करो, अर्न करो, अर्न करो, पैसा कमाओगे तभी आपका जो है यर्न पूरा हो पाएगा, अर्न करना पड़ेगा तभी आपका क्या है ना, ये जो ऑडी फरारी कब होगा, जब आप अर्न करोगे, ऑडी फरारी कब होगा आपके पास, जब आप अर्न करोगे, लालसा पूरा करने के लिए आपको अर्न करना पड़ेगा, लालसा पूरा कर, अगर यर्न पूरा करना है तो अर्न करो भैया, यर्न पूरा करना है तो आप सबसे पहले अर्न करो, अर्न करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सब लालसा पूरा होगा, अर्न के लिए यर्न चाहिए, अर्न के लिए यर्न चाहिए, है ना। तो आप लोग को याद होना चाहिए, यर्न मतलब लालसा, लालसा पूरा होगा अर्न करने से, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, है ना। नेक्स्ट क्या है, जेलस, जेलस मतलब होता है उत्साहित, जेलस मतलब होता है उत्साहित, जेलस मतलब उत्साहित, एकदम पूरा उत्साहित, अब की बार करके छोड़ेंगे, अब की बार करके हमारा ही सिलेक्शन होगा, उत्साहित पूरा रात दिन एक करके,
यहां पे एक बात याद रखिएगा, एक है जेड ई ए एल ओ यू एस, मतलब उत्साहित, इंस्पायरिंग, है ना, इंस्पायर्ड, है ना, उत्साहित, जोशीला, लेकिन यहीं पे जे हो जाएगा ना, जे ई ए एल ओ यू एस, मतलब ईर्ष्या, दोष, घृणा, है ना। आप जब अपने काम के प्रति उत्साहित हो जाते हैं, आप पूरे पैशनेट हो जाते हैं, तो आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपसे ये वाला करने लगे। जब आप ये हो जाते हैं ना, तो जे ई ए एल ओ यू एस करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, घृणा करने लगेंगे। बट आप पीछे मत हटना मेरे दोस्त, आप और जोश से, और जितना लोग करें जे वाला जेलस, उतना आप करना जेड वाला जेलस। और जब जेड वाला जेलस हो जाएगा ना, तो आप ही अंत करेंगे, आप ही अंत करेंगे भैया, आप ही पीक पे होंगे, है ना। तो जेलस, जेड ई ए एल ओ यू एस मतलब उत्साहित, जोश से भरा हुआ, है ना। जे जेड ई एल ओ यू एस मतलब उत्साहित, जोश से भरा हुआ, enthusiastic, enthusiastic, है ना, enthusiastic मतलब ही उत्साहित, जोश से भरा हुआ। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त। ये वर्ड का लास्ट था, ये लास्ट था वोकैबुलरी का। आप लोग पूरे 722 एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, श्योर देख लीजिए, और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब आप लोग के लिए मैं लेकर आऊंगा वॉल्यूम 1 का साइनोनिम, साइनोनिम जस्ट खत्म करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।